उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए, लेकिन दबंग भूमाफिया यूपी सरकार को ठेंगा दिखाकर रातों रात जमीन पर दीवार खड़ी कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद फिरोजाबाद में खैरगढ़ थाना क्षेत्र के सुखपुरा हाथबंत गांव की, जहां विवादित जमीन पर खुलेआम एवं भूमाफियाओं ने रातों रात अवैध निर्माण करवा कर दीवार खड़ी कर दी। मामले की सूचना पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कई बार पुलिस को अवगत कराया गया, लेकिन अवैध निर्माण कार्य को नहीं रोका गया, जिससे स्थानीय पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि भूमि पर निर्माण करा रहे लोग दबंग और भूमाफिया किस्म के हैं, जो फर्जी तरीके से अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जबकि मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने स्थगन आदेश भी जारी कर रखा है। माननीय कोर्ट की अवहेलना करते हुए दबंग भूमाफिया अवैध निर्माण करा रहे हैं। भूमाफिया शेखुपुरा हाथबंत के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाकर कार्यवाही कराने की मांग की है। मेरा नाम ऋषभ दयाल नाम है, गांव कौंड है। ये मामला जमीन का ये है, 5 बीघा 1.5 डेसीमल जमीन है हमारी। इन्होंने रात को जबरदस्ती ये दीवार लगाई है। किसने लगाई है? हेरी सिंह नाटू। कहाँ रहते हैं वो? जी हाथबंद पर रहते हैं। रात बनाई है आज। आज रात में? जी। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं हमारी जो जमीन है 75, तो हमें जो मिलनी चाहिए 5 बीघा 1.5 डेसीमल जमीन है हमारी, वो हमें मिलनी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।